नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई पासपोर्ट से रिलेटेड। जी हाँ भाई, पासपोर्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है विदेश से रिलेटेड। इंटरनेशनल रैंकिंग में पासपोर्ट के आधार पर रैंकिंग होती है हर देश की। जी हाँ, ये कोरोना काल एक डेढ़ साल के अंदर पाकिस्तान इंडिया का पासपोर्ट भी कमज़ोर हुआ है। लेकिन जी हाँ साथियों, जो 30 मार्क आते हैं उनका भी पासपोर्ट कमज़ोर हुआ है इंडिया के मुकाबले। तो हम डिटेल से यहाँ पे जानेंगे कि पासपोर्ट इंडिया का कहाँ तक पहुँचा है, टॉप 10 में जो देश थे उनकी क्या स्थिति है, अभी जो उभर के जो नीचे था वो ऊपर कौन सा देश पहुँच गया है, कौन से देशों में इंडिया के अभी कितने देशों में वीज़ा ऑन अराइवल हैं, कितने देशों में बिना वीज़ा एंट्री है, डिटेल से हम जानेंगे चीन पाकिस्तान सभी देशों से रिलेटेड। वीडियो पूरा देखिए भाई, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, कोरोना काल आपको पता है भयंकर ऐसी महामारी हुई कि इसकी वजह से सबसे ज्यादा ट्रेवल पे इफेक्ट हुआ। जी हाँ, और ट्रेवल पे इफेक्ट होने की वजह से ही पासपोर्ट रैंकिंग में गिरावट आई है। जी हाँ, इसमें जो डाउन थे वो अप हो गए, अप थे वो डाउन हो गए। सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत था, आपने देखा होगा, जापान का मजबूत था, लेकिन अभी जो बढ़ के आया है जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी का पासपोर्ट सबसे पावरफुल माना गया है। अभी ये न्यूज़ है 24 जून 2021 की जो रैंकिंग आई है उसके हिसाब से मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, और अमेरिका का पासपोर्ट कमज़ोर हो गया, जो टॉप 10 में भी नहीं रहा है। जी हाँ, टॉप 10 से बाहर होके 12वें नंबर पे पहुंच गया, जो पहले टॉप 10 में था यूएस से अमेरिका, जो आउट होके पासपोर्ट उनका भी डाउन हुआ है, 12वें नंबर पर पहुंच गया। जी हाँ, इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग भी भाई डाउन हुई है। इंडिया का रैंकिंग बता दूँ, कितना इफेक्ट पड़ा कोरोना की वजह से, पासपोर्ट इंडिया का भी कमज़ोर हुआ है। जी हाँ, 13 नंबर कम हो गए, पासपोर्ट बढ़ गया, पहले भी अगर देखा जाए तो 48 के करीब था, अभी 61 हो गया। जी हाँ, यानी डाउन हुआ है पासपोर्ट। अभी बात करें कि जर्मनी के लगभग 100 देशों में, जनवरी के नागरिक 100 देशों में उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है भाई, सीधा पासपोर्ट लेके जाओ, टिकट बनाओ और पहुँच जाओ। 37 देशों में उनको पहुँचने पर जाता है, बाकी 61 देश हैं वहाँ पहले उनको अप्लीकेशन देनी होती है वीज़ा अप्लाई करने की, बाकी 100 देशों में बिना वीज़ा है भाई, आप समझ सकते हैं। इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया को अभी 20 देशों में बिना वीज़ा आप लोग जा सकते हैं। इंडिया के लोग 20 देशों में बिना वीज़ा जा सकते हैं। 35 कंट्रीज़ में आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है एयरपोर्ट पे अगर आप जाते हो तो, 35 कंट्रीज़ में, बाकी 143 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको पहले वीज़ा लेना होगा। 143 कंट्री हैं वहाँ पे आपको पहले वीज़ा अप्लाई करना होगा। चीन की रैंक की बात करें तो भाई चीन की रैंक है 52। जी हाँ साथियों, 52 है, इनका भी पासपोर्ट डाउन हुआ है चीन का भी। अभी 23 कंट्री ऐसी हैं कि इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, 23 कंट्री। जी हाँ, और इंडिया की 20 कंट्री है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है चीन के साथ अगर कंपैरिजन करें तो। 37 कंट्रीज़ ऐसी हैं कि वहाँ उनको अगर वो जाते हैं तो ऑन अराइवल वीज़ा उनको मिल जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान की बात करें तो भाई पाकिस्तान की रैंक 80 है, यानी 80 पे पहुँच गया पाकिस्तान। इंडिया की 61 है और पाकिस्तान की 80, इतना डिफरेंस है। 7 देश ऐसे हैं जो उनको वीज़ा फ्री देते हैं। रैंक की बात करें तो 83 रैंक पे उनका पासपोर्ट अभी चल रहा है। जी हाँ, बाकी सभी देशों में वीज़ा उनको लेना पड़ता है। जी हाँ, बस ये आपके पास मेरे पास एक अपडेट थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी भाई। लेकिन कोई नहीं, 2022 अच्छा आएगा, 2021 की हम कामना कर रहे हैं कि भाई 2021 में अच्छा होगा, लेकिन 2021 तो 2022 से भी ज़्यादा खतरनाक निकला। बाकी 5 महीने में उम्मीद है सबको वैक्सीनेशन हो जाए, टीके लग जाएं, कोरोना पे काबू पा लिए, तो 2022 अपने लिए अच्छी आए और पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़े ट्रेवल के हिसाब से। बस ये अपडेट देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।